लव्स, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अबाउट ऑल दोस जो कि अनमैरिड हैं या फिर सिंगल्स हैं। ओके, आपके लिए यूनिवर्स की स्पेशल कॉल मैसेज है, स्पेशल कॉलिंग, स्पेशल मैसेज, डिवाइन मैसेज। सो या आपको आपका पाइल चूज़ करना है। यहाँ पर दो पाइल हैं, पाइल वन एंड पाइल टू। बर्थ डेट्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके लिए दो पंख हैं यहाँ पर। पाइल नंबर वन पिंक फैदर एंड पाइल नंबर टू पर्पल फैदर। ओके, सो चूज़ हाउ एवर यू लाइक दिस। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हे लव्स, पाइल नंबर वन। तो आपकी रीडिंग है ये। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू गाइस, व्हाट इज देयर इन द यूनिवर्स फॉर माय लवली पाइल नंबर वन। व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू गाइस, टू ऑफ एयर। ओके, व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू, फाइव ऑफ एयर रिवर्स। क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए? जस्टिस रिवर्स, एन अवेकनिंग। सबसे पहला जो यहाँ पर मैसेज है ना, ग्रुप नंबर वन, आपके लिए एक बहुत ही क्लियर कट यूनिवर्स की कॉलिंग है एंड दैट इज़ अबाउट कि आप अपनी आँखें खोलें। ठीक है, आप अपनी आँखें खोलें क्योंकि आई थिंक आपका फोकस जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ पर है कि मेरे साथ न्याय कब होगा, मुझे जस्टिस कब मिलेगा, मेरा काम कब होगा। ठीक है, कब पे आपका फोकस है, व्हेन। ठीक है, और इस व्हेन के चक्कर में टू ऑफ एयर की एनर्जी आ गई हुई है आपकी। आप बिल्कुल आपका माइंड हैंग है इस टाइम। ठीक है, एंड फाइव ऑफ एयर रिवर्स, आप बिल्कुल ही कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ बात नहीं करना चाहते लोगों से और बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गए हो। ठीक है, आपका मतलब ज़्यादा आपको दुनिया लोग पसंद नहीं है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते। और इस नेगेटिविटी ने, इस सिचुएशन ने, जिसमें आप हमेशा सिर्फ यही सोचते हो कि वो फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा किया था, कि वो फ़लाँ को कब मिलेगा और जस्टिस मुझे कब मिलेगा, फ़लाँ के साथ बुरा कब होगा, उसको अपना कार्मिक लेसन कब मिलेगा, ये वो। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूनिवर्स का सबसे पहला तो यह मैसेज है कि वेकनिंग, आप अपनी आंखें खोलें। ठीक है, दुनिया को किसी और पर्सपेक्टिव से भी देखें। एक इंसान सब कुछ नहीं होता, या एक सिचुएशन सब कुछ नहीं होती, या शादी ही सब कुछ नहीं होती, या करियर ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, आप एक चीज़ से ऑब्सेस्ड हो चुके हो उस टाइम। ठीक है, इस एनर्जी को आप जितनी जल्दी एज सून एज पॉसिबल निकाल दें। तो फिर है किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है यहाँ। ओके, किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है, सिंगल पीपल, पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है। ओके गाइस, आपका लाइफ में जो न्यू पर्सन है, न्यू हो या आपका पार्टनर हो, वट एवर, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज़ अर्थ एनर्जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ठीक है, और नॉट रियली किन का ये जोडियक साइन है, उनकी एनर्जी है अर्थ साइन की। दैट इज़ लाइक कि इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी जेनरस है, काफ़ी डिपेंडेबल है, और ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग भी है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। इनकी ये एनर्जी है कि इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक आपकी लाइफ में इंसान जब आया होगा, जब आएगा या आया होगा, जब आपका फुल ऑन फोकस आपके करियर पर था, या आप अपने जो आपके अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उनको आप छोड़ चुके हैं, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस ग्रुप। रिलीज, देखा, रिलीज का कार्ड है।
आपको गाइज, आप सिंगल हैं ऑब्वियसली, अनमैरिड है, क्योंकि ये रीडिंग ही है उन लोगों के लिए। आपको आपकी लाइफ का एक फेज़ एंड हो रहा है, ठीक है, और इस फेज़ को आप एंड होने दें, क्योंकि आप क्लियर मैसेज है, इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। अगर आपको कोई, आप रिलेशनशिप में भी हो, अगर आपको कोई सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, और आपको यू नो एक इंट्यूशन होती है, आप उसको अक्सर, हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, हमारा जो हम चाहते हैं उसकी वजह से। तो अगर आपको इंट्यूशन किसी एक रिलेशनशिप में आ रही है कि भाई ये चलने वाला नहीं, इसने मुझे नहीं देनी कमिटमेंट, यू नीड टू मूव ऑन। बहुत ही ज़्यादा सख्त स्ट्रिक्ट वार्निंग है ये यूनिवर्स की आपके लिए, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आप ऐसे हमेशा ही हैंग रहोगे और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, एंड यू विल बी एंड अप लाइक इन ओल्ड एज के, मैं इसने ऐसा ना करता, मैं ऐसा, मैंने क्यों किया, ठीक है। तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल फॉर अफेयर। या आपको एक बहुत किस कोई है भाई यहाँ पर, इसको बहुत ही दुख है, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, किसी ने आपको छोड़ दिया, या कह लो आप, या किसी एक स्पेसिफिक टाइम था जब आप को वो डिसीजन लेना था लेकिन आप नहीं ले पाए, ठीक है, आज आपने नहीं लिया और आपको वो रिग्रेट है, आपको वो गिल्ट खाई जाता है अंदर ही अंदर, दैट इज़ नॉट द थिंग, ओके, यू नीड टू मूव ऑन। वो जो होना था वो हो गया है, अब इट डजेंट मैटर एनी मोर। 7 of Fire की एनर्जी है, दैट इज़ लाइक यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, पहली बात, डिफेंड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को आपकी ज़रूरत है, उनकी नहीं, ठीक है। एक और यहाँ पे मैसेज है कि चूज़ योर बैटल वाइजली, आपको कौन से फ्रंट पर खेलना है या आपको चूज़ करना है, ठीक है, और बहुत ही वाइजली, बहुत ही बुद्धि लगा के, बहुत ही अकलमंदी से जो है आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा बैटल्स हैं, एक से ज़्यादा फ्रंट्स खुले हुए हैं जहाँ पर आपको जंग लड़नी है, वरावर, ठीक है, आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना है, आपको वहाँ पे हार्ड वर्क करना है, तो आपने बहुत केयरफुली चूज़ करना है कि भाई मैंने कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है और कौन से मैंने फ्रंट को छोड़ना है, ठीक है। एक फ्रंट पर खेलो, ग्रुप नंबर वन, एक फ्रंट पर खेलो, करियर है तो उधर ध्यान दो, अगर आप मैरिड हो, सॉरी मैरिड की तो रीडिंग है ही नहीं है, बट अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप चाहते हो कि जी मैंने इसी को टाइम देना है या वट एवर, आपको जो सही लगता है आप करें, आप अपनी ट्यूशन को देखें, लेकिन जो भी आप फैसला लें उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है, नुकसान का घाटे का सौदा नहीं चलेगा, मसला हो जाना है, रिन्यूअल, वरेवर, जो भी केस होगा, पाइल नंबर वन, ओके, आपकी लाइफ में जो भी होगा आपको एक नई दिशा मिलेगी, ठीक है। इवन इफ अगर आप डिसाइड ये भी करते हो कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम अ सर्टेन पर्सन, ठीक है, यू शुड, क्योंकि यहाँ पर एक नई डायरेक्शन है, यहाँ पर एक न्यू पाथ है, ओके, और दूसरी बात है कि आपको एवेल्यूएट करना है, एवेल्यूएशन, रिव्यूइंग योर सेल्फ, ये सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ग्रुप नंबर वन, यू नीड टू रीन्यू योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में आपको एक नई, मतलब यू नो एक नई तरह से शुरू करो, क्योंकि आई वॉन्ट टू सी कि कौन है ये आपकी लाइफ में आने वाला, 10 of Water, 10 of Cups, गाइस एक रिवॉर्डिंग पर्सन है, ठीक है, ये वाटर साइन में भी हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या एयर साइन तो बहुत मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है, ये एक रिवॉर्डिंग फैमिली है, ये एक इंसान ऐसा है कि जो आपके मटेरियल और आपकी इमोशनल नीड्स दोनों को पूरा कर सकता है, ये पर्सन काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, और आपकी, आपको जो जैसी मोहब्बत चाहिए ना, आपको जैसी मोहब्बत चाहिए ये बंदा आपको वैसी मोहब्बत देगा, आपके तमाम मोहब्बत की, प्यार की, जो भी आपकी जज्बात हैं, जो आप चाहते हो, ये सब ख्वाहिशें हैं, ये सब चीज़ें ये पूरी करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी है, काफ़ी डिपेंडेबल है, किंग ऑफ अर्थ पहले आ गया आपका, यू आर वेरी लकी कपल,
क्योंकि अर्थ साइन के कपल्स हैं एंड दैट इज़ द थिंग कि जहाँ जहाँ पर बहुत ही कपल सेंसिबल होता है, ठीक है, इमोशनल फूल। आई थिंक आप लोगों का ना, आई थिंक आप लोग काफ़ी मच्योर हो, दोनों ही मच्योर हो गए मेंटली। काफ़ी बंदे को काफ़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आई थिंक काफ़ी थॉटफुल है ये, क्योंकि क्योंकि ये पर्सन, आई थिंक इसके एल्डर्स जो हैं वो भी काफ़ी अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। इसने वहाँ से सीखा है, इसने वहाँ से देखा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। प्रोफेशनल है और केयरिंग भी है ये पर्सन। अर्थ एनर्जी है ना, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। आप आंखें बंद करके ना ट्रस्ट के मामले में इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, या आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक साथ में बातें हैं, और या सेंसिबल भी होता है, ठीक है ना। और आप यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए? एम्परर अगेन, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी डिपेंडेबल पर्सन, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। समबडी इज़ देयर, पाइल नंबर वन, समबडी इज़ देयर। चाहे आप सिंगल हैं, जो अनमैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, नहीं हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, लेकिन आपकी लाइफ में कोई तो है जिसने आपके, जो आपको देखता है, वो इज़ देयर फॉर यू, ओके। एस ऑफ कप्स, एक न्यू कम्युनिकेशन मिल सकती है विद इन वन मंथ भी, इवन विद इन वन मंथ आपको एक न्यू कम्युनिकेशन मिल सकती है। एक नया घर आपका वेट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको जाना है। एंड हर्मिट, आई थिंक ये जो आपका अनमैरिड फेज है, ये आप परेशानी में या टेंशन में या फ्यूचर की चिंता में गुजारने की बजाय, अगर आप यहाँ पर खुद पर ध्यान दो ना, मतलब यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ, यू नीड टू बी स्पिरिचुअल, यू नीड टू बी क्वाइट, यू नीड टू बी डूइंग मेडिटेशंस, ठीक है, और अपना सेल्फ केयर अगर कर पाओ ना, तो आपका ये फेज़ ज़्यादा अच्छा कट जाएगा। क्योंकि जिसने आपको मिलना है पाइल नंबर वन, वो आपकी किस्मत में लिखा जा चुका हुआ है, उसने आपको मिलना ही मिलना है। और जो भी डिज़ाइंड टाइम है, जो भी यू नो डिवाइन टाइमिंग है, उससे आगे पीछे ना तो एक मिनट होना है, ठीक है, और ना ही एक सेकंड होना है। तो बेहतर यही है कि आप लेट गो कर दें और डिवाइन पर भरोसा करो, ठीक है, उस पर विश्वास करो कि मेरे लिए जो होगा ठीक ही होगा। हर्मिट एनर्जी आपको बार बार आ रहा है कि यूनिवर्स आपको मैसेज है कि आपको प्रपोजल है, आपका पर्सन भी है, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके, आपको खुद पर फोकस करना है उतनी देर। एनीवेज आगे चलते हैं, ऑरेकल से देखते हैं क्या सिचुएशन है। लेट्स सी What is coming up for you guys? Pile number one. Prayer. ठीक है, आप प्रे करें, यू नीड टू प्रे। आपका स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी रिलीजियस लाइफ काफ़ी हिली हुई है, और आई थिंक आप काफ़ी मिस कर रहे हो प्रेयर्स को, अपनी प्रेयर्स को डिपोस्टपोन करते जाते हो। दैट इज़ नॉट द वे हाउ इट विल वर्क, ओके। आपकी सोल को ज़रूरत है इसकी, प्रेयर की, सर्विस। एक तो पहली बात यह है कि आप अपनी जॉब पर ध्यान दो, सीधी बात है, अपनी जॉब पर ध्यान दो, और अपने एल्डर्स की जो है, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, जो भी है, यू नीड टू सर्व देम, ठीक है। इससे आपके कार्मा कटिंग भी बहुत होती है, कार्मा कॉर्ड कटिंग भी बहुत होती है, और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं फ्यूचर की, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ओके। होपलेस एनर्जी से निकले आप, ठीक है, यू आर क्वाइट होपलेस, क्या मुझे मिलना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना पैशन फॉलो करो, आपका करियर आपका वेट कर रहा है, इतना आपका सुंदर करियर आपको पता ही नहीं है, और आप सब कुछ भूल भाल के तो आप एक ही है ना जगह पर फोकस होके बैठे हुए हो। डिस्कवरी, डिस्कवर योर सेल्फ,
सबसे पहले तो आपको ख़ुद को डिस्कवर करना है कि मेरे अंदर मेरे क्या क्या पैशंस हैं। ओके, एक दफ़ा ये डिस्कवर हो गए तो देन यू वुड बी गुड टू गो। ओके, ट्रिकरी। अच्छा, एक ना ज़्यादा मासूम ना, आप लोग जो हम लोग जो ज़्यादा मासूम होते हैं ना दुनिया पे, हमको ना बड़ा ही उस तरह ट्रीट करती है, ठीक है, बुरी तरह से। यू नीड टू लिटिल बिट क्लेवर, आपके जो अपने पॉइंट्स हैं यू नीड टू वर्क ऑन देम। ओके, ज़्यादा भी जो होता है ना मासूम, वो बेचारा कोई खाया जाता है, ठीक है। फॉरगिवनेस, तो जिसने आपके साथ बुरा किया है, फॉरगिव देम, फॉरगिव देम, ठीक है। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके लिए न्यू हॉराइजन्स खोले हैं, न्यू हॉराइजन्स हैं आपके लिए। एवरीथिंग इज़ फॉर यू। वेल, आपकी जो अनमेरिड है, जो आई एम ब्यूटीफुल, आप ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आई एम ब्यूटीफुल। दूसरी बात यह है कि आप को थोड़ा, अगर आप नहीं अपनी सेल्फ केयर करते, यू नीड टू डू दैट। आई फील लव्ड, आप अपनी फ्रेंड्स हैं जो आपकी सर्कल में फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ घूमें फिरें, ठीक है, अपने माइंड को आगे पीछे करें, इस फोकस से कि मुझे शादी करनी है, इस फोकस से हटाएं थोड़ा, अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो। आई विल सरेंडर, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि जो बंदा है या जो बंदी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑलरेडी रिटन, फैसला हो चुका हुआ है, वो बंदा बंदी लिखा जा चुका हुआ है। अब आपके एक ही चीज़ का वेट किया जा रहा है कि आप कब सरेंडर करते हो। द डे यू विल सरेंडर, उसी दिन वो आपके सामने आएंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपने इसको कितना और डिले करवाना है सरेंडर ना करके, ठीक है। आई एम सील्ड अगेन, आप मैंने बोल दिया आपको कि वो जो भी पर्सन है दैट इज़ सील्ड, ठीक है, वो है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई है ही नहीं अभी किस्मत में। आई फील लॉस्ट, आपको लगता है कि आई एम लॉस्ट, या आपको उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, और आई एम चेरिश्ड, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कुछ किस्मत हो ग्रुप नंबर वन, यू आर रियली लकी। आई वॉन्ट टू सी चार्म्स फॉर यू गाइज, लेट्स सी वट इज़ कमिंग अप फॉर यू। ओ माई गॉड, दिस इज़ अ रिंग, पाइल नंबर वन, दिस इज कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट इज कमिंग, एंड कैट स्पिरिट है, मिस्टीरियस स्पिरिट है, यहाँ पे स्नैक है, विच इज़ लाइक हाईली अट्रैक्टिव पर्सन। ओके, ये पर्सन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, दिस इज़ लाइक अगैन यहाँ पे कैट है, कैट स्पिरिट इज़ ऑल अबाउट, कैट स्पिरिट इज़ ऑल अबाउट कि जब कोई बहुत मिस्टीरियस होता है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होता है, ये आपके पर्सन की स्पिरिट है। टाइगर स्पिरिट यहाँ पर लियो हो सकते हैं, इनके सेंस आएंगे, सनसाइन क्योंकि एलिफेंट है, टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो हो सकते हैं, यहाँ पर वाटर साइन भी है, ठीक है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, और स्वैन है, लव है, लव मैरिज होगी या आपको शादी के बाद इनसे लव हो जाएगा, ठीक है, लव होगा इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में मोहब्बत है। यहाँ पर बनी स्पिरिट है, दैट इज़ ऑल अबाउट बींग वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर योर पर्सन, ठीक है, ये बंदा को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होगे या लगोगे। सो दैट्स ऑल आई कैन सी फॉर यू गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हे लव्स, हे लव्स, पाइल नंबर टू, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू गाइज। Spirit, please guide me for this group. What is coming up? क्या एनर्जी रहने वाली है आपके ग्रुप की? ओके, पहले नंबर पे है आपके पास सिक्स ऑफ वाटर, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, what is the energy? For you guys, यूनिवर्स का क्या मैसेज है? सेवन ऑफ अर्थ, यूनिवर्स का क्या मैसेज है?
स्टार। ओके, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू, सॉरी, पाइल नंबर टू। आप सिंगल हैं एंड मैरिड है, डज नॉट मैटर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंट है निकल के आई है, बिल्कुल डिफरेंट निकल के आई है। एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ साइन, वाटर साइन या फिर एयर साइन। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और जो एक्वेरियस है एयर साइन में से, लिब्रा, जेमिनाई और कैंसर। ठीक है, ये एनर्जी जो निकल के आई है, इनकी रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज़ कर रही है, और वो है आपका स्टेबल करियर, पाइल नंबर टू। क्योंकि आपकी किस्मत में लव के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल किस्म का करियर लिखा हुआ है, विच आई कैन सी इन दिस एनर्जी कि ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ही केयरिंग भी है। ओके, आपके केस में पाइल नंबर टू, अगर आप अर्ली ट्वेंटीज़ में हो अपनी एज के, तो डेफिनेटली यू नीड टू वेट अ बिट, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वजह ये है कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, और ये स्टार्ट तो है लेकिन ये ज़्यादातर आपके स्टार कार्ड है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है, उसमें कुछ और ही लिखा हुआ है। दैट इज़ कि आप अपनी लाइफ में, जो आप अगर करियर ओरिएंटेड हो, अगर आप मतलब अपने करियर पे फोकस्ड हो, ठीक है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो ज़िंदगी में, तो आप पहले वो अपना गोल अचीव करोगे, ठीक है, उसके बाद जा कर के आपको आपका पार्टनर मिलेगा। किंग ऑफ अर्थ है, क्योंकि हाँ, ओके, किंग ऑफ अर्थ है, ये पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे, आपसे ज़्यादा मचोर होंगे, आपसे ज़्यादा वेल्थी होंगे, आपसे ज़्यादा अर्निंग, इनकी सैलरी, इनकी प्रॉफिट, बिजनेस अगर करते हैं तो आपकी ज़्यादा होगा उससे, आपकी जो कलेक्टिव इनकम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिक्स ऑफ वाटर है, ये बाई गाइस, ये पर्सन पॉसिबल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आप का ये वो पर्सन होगा जिसको आप जानते होगे, ठीक है। ये किसी अननोन से आपकी शादी नहीं होगी, ये कोई अननोन नहीं है, हो सकता है ये पर्सन आपके किसी पास्ट से हो। आपका लाजमी नहीं है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप रहा हो, लव रिलेशनशिप, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपके पास्ट से आपको जानता है, बहुत अरसे से आपको जानता होगा। और कुछ लोगों के इसमें, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है कि मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री या मेमोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ठीक है, तो ये आपकी बचपन में, आप आई डोंट नो क्या सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपके बचपन से इनका, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है कि ये पर्सन आपको, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कि अर्ली लाइफ में आपको मिले हों, ओके, आपको काफ़ी अर्ली मिले हों ज़िंदगी में, जब आप काफ़ी यंग थे, आपकी टीन एज हो सकती है या अर्ली ट्वेंटीज़ हो सकते हैं, ये पर्सन आपको जब मिला था। फिर हो सकते हैं आप दोनों का रास्ता जुदा हो गया हुआ हो, या कोई रीज़न बनी हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बट नॉट फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करता है उसी इन्फॉर्मेशन को आप लिया करें, क्योंकि ये सबके लिए सब इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नाइन ऑफ वाटर, ये विश कम ट्रू है जी, पाइल नंबर टू, यहाँ कन्फर्म है यहाँ पर किंग ऑफ फायर कि यह पर्सन आपके पसंद का इंसान होगा, ठीक है। ये पर्सन मैंने बताया जैसे अनोन नहीं है, दिस इज़ योर विश कम ट्रू, तो पॉसिबिलिटी है, देर आर हाई 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 चांसेस कि पर्सन आपके वो हैं, आपके मतलब रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये लव मैरिज है, ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू होगा, जिसको आप ज़िंदगी में चाहोगे ना कि मेरी इससे शादी हो, जिसको आप चाहते होगे, दैट इज़ दैट पर्सन, ओके, ये वो इंसान है। और क्योंकि यहाँ पे दो किंग है, तो किंग एनर्जी है, हाई हाई चांसेस है कि बंदा आपसे मेच्योर है, आपसे एज में बड़ा है, या एटलीस्ट एज फेलो है, ठीक है। दूसरी बात है कि पर्सन कमिटमेंट के साथ आएगा,
हाँ शादी की कि अब आप नेक्स्ट जो भी रिलेशनशिप आपका होगा, आप खाली रिलेशनशिप नहीं रखोगे, आप खाली गर्लफ्रेंड इनके बन के नहीं रहोगे, यू विल बी इन टू मैरिज, या एटलीस्ट ये इंसान बंदा आपसे एंगेजमेंट ज़रूर करेगा। ऑल राइट, व्हाट एल्स? एट ऑफ कप्स, डिज़ायर टू सर्च समवन बेटर, ओके, एंड फाइव ऑफ एयर। गाइस, हो सकता है आपकी किसी से ब्रेकअप हुआ पास्ट में, ठीक है, और आपको यानी कि आपको कंफर्म हो चुका था कि यू वर लिटरली डेड श्योर कि यहाँ मेरी बात नहीं बननी, ठीक है, और आप हमेशा से आगे जाना चाहते थे ज़िंदगी में, या चाहते ना भी हो लेकिन आपको जाना पड़ा वहाँ से, उस कनेक्शन से निकल कर, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिख रही है कि आप को एक जगह से मूव ऑन होकर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, और ना चाहते हुए, क्योंकि फाइव अफेयर हो सकता है कोई बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा हो, ठीक है, लेकिन ये जो वो ब्रेकअप था इसने आपको स्पिरिचुअली ग्रो करा है, आपको इमोशनली ग्रो करा है, अब आपको पता है कि रिलेशनशिप में किस तरह से रहना है। हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट पर्सन आ रहा है उसके लिए आपको डिवाइन ने तैयार करा हो, कि आपने नेगेटिवली अटैच्ड नहीं होना, ज़्यादा उस ज़्यादा ओवरली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना, ट्रस्ट ज़्यादा नहीं कर बैठना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रखना, जो भी आपसे पहले गलती हुई है आपने वो नहीं करनी, दैट इज़ हाउ यूनिवर्स ने आपको प्रिपेयर किया है नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए। जस्टिस, देखा जस्टिस, अगर उसने आपके साथ बुरा किया है किसी ने, ठीक है, उनको उनका फल मिलेगा, वो ये मत सोचो कि उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो जैसा डिज़र्व करता है उसको डिवाइन वैसा देंगे, जैसा आप डिज़र्व करते हो वैसा आपको मिलेगा, क्योंकि 8 नंबर है, दिस इज़ इन्फिनिटी साइन, विच इज़ लाइक कि आपको डिवाइन से छोटी उम्मीद नहीं रखनी, अगर आप अपनी नीयत के अच्छे हो ना, ठीक है ना, तो आपको डिवाइन से छोटी की उम्मीद तो रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिवाइन इज़ द गॉड ऑफ मिरेकल, वो कुछ भी कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, गाइस, ये पर्सन एक तो आपकी लव मैरिज है, ठीक है, ठीक है, आपको पहले हो सकता है किसी से लव हुआ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लाजमी नहीं है, लेकिन यहाँ हो सकता है बिल्कुल ही सिंगल हो, मतलब फर्जी, ये जो भी इंसान होगा आपका फर्स्ट कनेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए इसे मैसेज ये है कि आपकी फैमिली बनने जा रही है, ठीक है, मतलब बच्चे, मतलब हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है ये बंदा आपको मटेरियली भी ज़्यादा सपोर्ट करे, एज वेल एज यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट आपकी मुझे बहुत दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। 8 ऑफ़ दो, ज़्यादा देर नहीं, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आना कि पता नहीं कब, तो ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन आपने इस चक्कर में माँ प्यार मोहब्बत के शादी के चक्कर में पहले नंबर टू अपने करियर को नहीं बोलना, क्योंकि आप फ्यूचर के बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनने जा रहे हो। करियर इज़ करियर, लव इज़ लव, मैरिज इज़ मैरिज, हर चीज़ को अपने जगह पर रख कर चलना है। सही, एस ऑफ कप्स, एक न्यू कम्युनिकेशन मिल सकती है आपको, लेट सी व्हेन, व्हेन इज़ द न्यू कम्युनिकेशन, पाइल नंबर टू, व्हेन इज़ द न्यू कम्युनिकेशन, अनदर एस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ एयर, वन नंबर है, कंफर्म हुआ है। देखो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ फायर है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 का मतलब हम 1 महीना लेंगे, 1 साल नहीं लिया जा सकता यहाँ, क्योंकि 1 साल देर हो जाएगी, यहाँ पर चीज़ें फेस्टर पेस में चल रही हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आज से लेकर अगला 1 महीना आपके लिए हेला इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ड्रीमर, 0 नंबर, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टार्ट फ्रॉम अ ज़ीरो स्क्रैच, अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये पर्सन आपके साथ आपको प्रपोजल भेजेंगे, अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, ठीक है, आप इनको जानते हैं, लेकिन
आपको हो सकता है उम्मीद ना हो कि ये मुझे प्रपोजल भेजेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 की। फर्टाइल्स 7 of Fire, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा रिश्ते भी आए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई चल रही है, आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन चल रही है। तो आपको आपकी बैटल, चूज़ योर बैटल वाइजली, मतलब जो भी होगा आपने बहुत ही केयरफुली एनालाइज करना ही है सिचुएशन को, ओके। तब जाके आपको आपने डिसाइड करना है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाए, हो सकता है आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाए आगे। अगेन ओ माय गॉड, प्रपोजल पे प्रपोजल है पाइल नंबर 2, अनदर प्रपोजल, नाइट ऑफ कप्स, वेडिंग प्रपोजल, कोई आपसे बेइंतहा प्यार करता है और उनकी तरफ से वेडिंग का इनविटेशन या मतलब प्रपोजल हो सकता है। हो सकता है आपको कोई आजकल में कहीं पर वेडिंग इनविटेशन है, आपने वहाँ पर जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है एन इनविटेशन टू अ सोशल इवेंट, कोई भी सोशल इवेंट का आपको इनविटेशन है, वहाँ पर आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। यू नीड टू गो दैट प्लेस। ओह माय गॉड, वेडिंग इज़ वेर, शादी शादी हो एवरीवेयर, पायलट तो क्या हो गए, हर कार्ड प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, मैरिज। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पायल नंबर 2। इफ़ यू वांट टू मैरी, दिस इज एग्जैक्ट राइट टाइम। 4 of Fire, 11 11, यू नीड टू क्लेम दिस पायल नंबर 2, 11 11। और ये मुझे दिखता है कि बड़ी ही सक्सेसफुल मैरिज है, और क्यों ना हो, होनी भी चाहिए, और आप बहुत हैप्पी रहोगे अपने घर में। और दिस इज सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, लाइक लिटरली ये पूरी एंड तक, आखिरती आखिरी दम तक आप दोनों साथ रहने वाले हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, क्वीन ऑफ वाटर, बहुत ही प्यार मोहब्बत के कार्ड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये पर्सन क्वीन एनर्जी में, लिटरली किंग तो आ ही गए हैं इनके दो, लेकिन अलॉन्ग साइड क्वीन एनर्जी है, कि यह हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी क्वीन समझता है, इनको लगता है कि आप ही इनके साथ कंपैटिबल हो। ये इंसान अपनी इंट्यूशन पर को ट्रस्ट करता है, इंसान ऐसे ट्रस्ट करता है कि केयर फॉर योर, कि इंसान बहुत आपकी केयर करता है, ठीक है। इनको ऐसे लगता है कि आप उनकी केयर केयरिंग हो बहुत ज़्यादा, और आपके सिवा जो है वो कोई उनको झेल नहीं सकता। ये भी है काफ़ी हाई चांसेस यहाँ क्वीन ऑफ फायर, या अगैन ये इंसान बहुत ही डिपेंडिंग है आप पे, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि आप जो आप काम कर सकती हो वो कोई और नहीं कर सकता, बहुत ही एडमायरर है, सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। लेट्स चेक आउट फ्रॉम ओरेकल, नहीं इस वाले ओरेकल से देखते हैं, फ्रॉम फेरी एंजल्स, कि क्या ये इंसान आपको कैसा समझता है। आई एम कनेक्टेड नाउ, दिस मैसेज इज़ लाइक, इनको ऐसे लगता है कि आपका इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और आई थिंक ये पॉसिबिलिटी है पायल नंबर 2 कि आपका सोलमेट हो, या इनको ऐसा फील आता हो कि दे आर योर सोलमेट, ठीक है। पॉसिबिलिटी है पायल नंबर 2 कि ये बहुत ही कनेक्शन पहले इतना मच्योर नहीं रहा हो, बिकॉज दिस इज़ अ बेबी, ओके। तो मुझे हो सकता है कि आपका कनेक्शन पहले इतना मच्योर ना हो, या ये बिल्कुल ही को न्यू पर्सन है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई ख़ास मेच्योर कनेक्शन रहा है इनके साथ किसी हाई लेवल पर पहले, ठीक है। यहाँ तो ये बिल्कुल न्यू है, क्योंकि दिस इज़ एब्सोल्युटली अ बेबी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर रहा भी हो तो बहुत ही कम समय तक, या बिल्कुल ही बातचीत बात की हद तक, यू नो, नॉट अ मेच्योर कनेक्शन। आई विल हील, ये चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करें, इनकी ऐसी ख्वाहिश है। दे वॉन्ट टू कम टू यू टू हील यू, उनको ऐसे लगता है कि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है,
आई एम क्राउन ऑफ क्रिएशन अगैन गाइस, ये इंसान आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहता है कि ये आपका क्राउन हो, कि आपको प्राउड हो इस पर, क्योंकि यू आर हिज क्वीन, ठीक है ना। आई फील ओपन, दिस ओपन एनर्जी इज ऑल अबाउट कि ये बंदा एक, वैसे बहुत अजीब सी बात है लेकिन यहाँ पे कनेक्शन, ये एनर्जी है कि ये बंदा किसी भी हालत में आपको स्वीकार करने को तैयार है, आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है। इज़ लाइक कि जो भी हो, कुछ भी हो, आई विल एक्सेप्ट यू, कोई कंडीशन नहीं, कोई डिमांड नहीं। चेरिश्ड, आई एम चेरिश्ड, काफ़ी ग्रेटफुल है, उसको पता है कि आप इतने आम इंसान नहीं हो, ठीक है, दे विल बी हैविंग ग्रेटफुल टू हैव यू। आई फील सेंसुअल, काफ़ी अट्रैक्शन को फील होती है आपकी ओर, काफ़ी ज़्यादा होगी अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर अट्रैक्टिव, ऐसा उनका मानना है। आई विल वर्शिप, लेकिन ये पर्सन काफ़ी प्रे भी करता है कि इनको आप मिल जाओ, या अगर आपको नहीं जानते तो ये लिटरली प्रेज कि आप सोलमेट इनका जो है, जो कि आप हो, उनको मिल जाए, ठीक है। सो लेट्स सी द चार्म्स एनर्जी, यहाँ पर चार्म्स की क्या एनर्जी है फॉर फाइल नंबर टू। ऑल राइट, वो हुआ फाइल नंबर टू, दिस इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर टू ट्रीज हैं, ठीक है, इसका ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके दो बच्चे होंगे, इनमें से ट्विंस भी हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे की है, दिस की इज़ ऑल अबाउट कि आपका रिश्ता जो बंद था वो खुलने वाला है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल, मैं आपको काफ़ी रीडिंग में बता चुकी हूँ मैरिज प्रपोजल के बारे में, दिस इज़ वेडिंग रिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पर बर्ड्स हैं, एंड बर्ड्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि नाउ यू आर फ्री, फ्रीडम मिलेगी इस पर्सन की तरफ से। अगेन यहाँ पर अगेन एंजल विंग भी है, यहाँ पर फ्लाई की काफ़ी एनर्जी है, तो मे बी आपके पर्सन किसी एक केस में कोई है यहाँ पर जिसका आपका पर्सन ये लिटरली फ्लाईज, लाइक मे बी पायलट हो या एयरफोर्स वगैरह में, ठीक है, यहाँ एयर होस्टेस या कुछ इस तरह के हो सकते हैं। एनीवेज, ये तो स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्लाई के जो चीज़ें हैं दैट इज़ लाइक एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग, पहली बात। दूसरी बात है कि ये इंसान आपको कभी भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रखेगा, ठीक है, और ये इंसान ख़ुद भी नहीं पसंद करता कि मुझे रिस्ट्रिक्शंस मेरे पे लगाई जाएँ या मेरे पे मतलब इसको मतलब प्राइवेसी लवर है और ज़्यादा रोक टोक इसको पसंद नहीं है, ठीक है। एनीवेज, दिस इज़ अ न्यू मून, दिस इज़ न्यू कनेक्शन, न्यू लव, ओके। और आई कैन अगैन सी यहाँ पर बेबी, यू विल हैव अ चाइल्ड, यहाँ पर एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, और मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लग रहा है, बिग फैमिली है, और तीन नंबर मुझे यहाँ दिख रहा है, तीन नंबर किसी ना किसी तरह आपसे कनेक्शन होगा, तीन नंबर का, तीन नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्च मंथ, यहाँ तीन इनकी बर्थ डेट हो सकती है, डिपेंड्स, ओके गाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।